अरे यार कैसे बोरिंग जगह पर घुमाने ले आई है तू? इससे अच्छी और जगह कहाँ हो सकती है? चलो चलो रोड क्रॉस करो। हाँ यहाँ पे फास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ जल्दी से देख के। हाँ समझ गई। देख क्या वो लेटा हुआ है? ये लेटा हुआ नहीं है, सो रहा है। पर मुझे तो लगता है तो मर गया है। पीछे हटिए थोड़ा। आप लोग हटिए, चलिए चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। हाँ पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप लोग देखो जरा, चलिए चलिए प्लीज, आप पीछे हटिए प्लीज। वैसे बिजनेस कार्ड सब ऐसे ही, किसी ने कुछ चुराने की कोशिश भी नहीं की। नाम क्या है इसका? अशोक। अशोक सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर, मनी टाइम क्रेडिट कार्ड में। मतलब पैसों के लिए इसका खून नहीं हुआ। और किसी ने ये छुपाने की कोशिश भी नहीं की, ये कौन है? हाँ सर, अगर किसी ने इसका खून किया होता तो वो इसकी पहचान छुपाने की कोशिश जरूर करता। यहाँ तो हमें फौरन पता चल गया कि ये आदमी कौन है। शायद इसकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो और अचानक इसे हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। यही घर। पड़ोसी से पूछ के देखते हैं। क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं। जी सीआईडी से क्या काम है? देखिए आपके सामने ये जो अशोक रहता था, इसके बारे में कुछ बातचीत करनी थी आपसे। रहता था? अभी भी रहता है? शायद बाहर गया होगा। मालूम है बाहर गया है। वो क्या है कि कल रात इसकी मौत हो गई है। क्या? अशोक की मौत हो गई? कैसे? शायद एक्सीडेंट से। इसकी फैमिली नहीं रहती यहाँ पे? वो तो सब सूरत में रहते हैं। सूरत में? तो वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला रह रहा था? हाँ अकेला रहता था, मगर पिछले 7-8 दिनों से उसके साथ एक लड़का भी रह रहा था। लड़का? लड़का भी रहता था? तो शायद उसके बारे में तो आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे। नया नया था वो। कौन था वो? पता नहीं, शायद उसके ऑफिस में काम करता होगा। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके यहाँ ये जो अशोक काम करता था, क्या किया इसने? नहीं इसने कुछ नहीं किया है, कल रात इसकी मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे हो गई मौत? हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मौत कैसे हुई है। हम लोग इसके घर गए थे तो पता चला कि पिछले 7-8 दिनों से इसके साथ घर में कोई और भी रह रहा है जो इसी ऑफिस में काम करता है। सर मैं रहता हूं अशोक के साथ। तुम हो? तुम्हें मालूम नहीं अशोक की मौत हो गई? नहीं सर। तुम कल थे ना उसके साथ में? हाँ सर था। क्या हुआ था? सर कल हम दोनों ऑफिस से साथ में निकले थे रिक्शे में, मगर वो रास्ते में उतर गया और मुझसे कहा कि तुम घर चले जाओ। और तुम घर चले गए? जी सर। कितने बजे? यही कोई शाम के 6 बजे। क्यों उतरा था वो, कुछ बताया था उसने? हाँ सर वो कह रहा था कि एग्जीबिशन देखने जा रहा है। एग्जीबिशन? कहाँ पे थी ये एग्जीबिशन? सर बैंड्रा में, कॉटर रोड पर एक मैदान है, वहीं लगा था। कॉटर रोड? अशोक की लाश भी हमें कॉटर रोड पे मिली है। सुनिए भाई साहब, यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी ना? कल रात तक लगी हुई थी। बहुत भीड़ थी? हाँ काफी भीड़ थी, कम से कम 5,000 लोग तो होंगे। 5,000 लोग?
खूनीन 5000 लोगों में से कोई एक। इसकी मौत 16 घंटे पहले हुई है, यानी कल रात को करीब 2 बजे। रात को 2 बजे? यस सर। मगर इसके शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं है और इसके कपड़े बता रहे हैं कि इसका कोई झगड़ा बगड़ा हुआ है, तो फिर ये मरा कैसे है? सर ये देखिए, ये इसके सिर का स्कैन है, इसके सिर में खून भरा हुआ है, ये खून है, इसकी मौत इसी वजह से हुई। सर इसका दोस्त कह रहा था कि उसने इसे 6 बजे कार्टर रोड पे छोड़ा था। 6 बजे ये उतरा कार्टर रोड पे और इसकी मौत हुई रात को करीब 2 बजे। 6 बजे और 2 बजे के बीच कुछ हुआ है। एक और बात सर, ये देखिए इसकी अंगूठी है, अंगूठी के अंदर का पत्थर गायब है। खूनी के साथ जब इसकी हाथापाई हुई होगी तब शायद ये डायमंड वहां कहीं गिरा होगा। असर मगर वो जगह हमने अच्छी तरह से देखी है जहां पे इसकी लाश मिली थी, वहां पे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक की लाश को उस खूनी ने कहीं और से लाके वहां डाल दिया? मतलब अशोक का खून किसी और जगह हुआ है? शायद। देखो जहां पे वो एग्जीबिशन लगी है उसके गेट से लेकर वहां तक जहां पर हमें अशोक की लाश मिली है वो सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो, शायद वो अंगूठी का पत्थर वहां मिल जाए। और जहां पे वो अंगूठी का पत्थर मिलेगा वहां से तहकीकात करनी चाहिए। स्कैनर में डालकर देखते हैं। ये तो एक बुलेट जैसा कुछ दिख रहा है। खून? लेटर भी है। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूं। आपने चलाई हुई तीनों गोलियां मुझे लगी, फिर भी मैं बच गया हूं। उनमें से एक गोली मैंने किसी तरह अपने शरीर में से निकाली है जो मैं आपको भेज रहा हूं। बाकी 2 गोलियां मैं अभी नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। इन गोलियों का मैं बदला जरूर लूंगा। ये खून है मगर ये खून सूखा हुआ है। मगर डॉक्टर, अशोक की मौत तो शरीर के अंदर की चोट की वजह से हुई है ना, तो फिर ये खून यहाँ पर आया कैसे? फिर ये भी हो सकता है कि अशोक के साथ कोई और होगा और ये खून शायद उसी का है, उसे भी चोट लगी है और ये खून उस घाव या चोट में से आया होगा। ये भी हो सकता है उन दोनों की फाइट हुई हो आपस में। हाँ ये खून खून करने वाले का भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है, किसी ने तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे इतनी बड़ी फाइट हुई हो और किसी ने कुछ देखा ही ना हो। सर अगर किसी ने देखा होगा तो उस देखने वाले का पता कैसे चलेगा? देखो अशोक की मौत रात के करीब 2 बजे हुई थी और यहाँ पास में जो मेला या एग्जीबिशन लगी हुई थी वो भी करीब करीब
उसी समय खत्म हुई। वहां से लोग जब निकले होंगे तो जरूर यहीं से गए होंगे। 5-6 हजार लोग थे सर, उनमें से खून होता किसने देखा है ये कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था तो वहाँ बाहर ऑटो रिक्शा वाले तो खड़े होंगे ही ना, उनमें से किसी ने कुछ देखा होगा। उन ऑटो रिक्शा वालों का पता लगाते हैं जो यहाँ पे बाहर खड़े थे। हाँ साहब, इस एरिया में रात में जो भी ऑटो रिक्शा चलता है वो सब यहीं पे खड़ा होता है। जब ये एग्जीबिशन चल रही थी तब भी क्या ये ऑटो रिक्शा वाले यहीं खड़े थे सवारी के लिए? साहब तब कौन बैठेगा यहाँ सवारी के लिए, सबके सब वहीं खड़े थे गेट के बाहर। अच्छा जरा देखो, इस आदमी को देखा है क्या? ये शायद आप में से ही किसी के ऑटो में बैठा था। नहीं साहब, मैंने तो इसे नहीं देखा। ए तू देख। हाँ साहब, मैंने इसको देखा है। देखा है? हाँ। इसके साथ कोई और आदमी था? नहीं, वो अकेला ही था। वो मुरली के ऑटो में बैठा था। मुरली के ऑटो में? हाँ। कहाँ है ये मुरली? आज तो नहीं आया है वो साहब। ये मुरली रहता का है, उसका कोई आता पता है? हाँ साहब, वो फल्ली चाल में रहता है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ। तरा देखो, ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी के हैं क्या? ये लेटर अभी आया है और ये पहले से है। नकुल, ये तो आपके बेटे का है। हाँ। समय आए, ये आप ही की गन में से चली है। आपने बताया नहीं कि ये बुलेट आई कहां से? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। वो लेटर तो नकुल ने नहीं लिखा है, मगर ये गोली मेरे ही गन में से चली है। इसका मतलब है गोली नकुल को लगी है। नकुल जिंदा है कि नहीं? मुरली। मैं ही मुरली हूँ, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आओ। सीआईडी से? क्या बात है सर, क्या हुआ? ये आदमी कल तुम्हारे रिक्शे में बैठा था। कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? दे इसको ब्यूरो में लेके चलो, सब याद आ जाएगा। ब्यूरो में मत ले जाइए सब, मैं सब बताता हूँ। कल रात ये आदमी एग्जिबिट से छूटने के बाद मेरी रिक्शा में बैठा और रास्ते में गलती आप लोगों की और आप रिक्शे वाले को मार रहे हैं। बहुत हीरो बन रहा है, तू बचाएगा इसे? चला बचा इसे। देखिए मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं पुलिस के पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा तू? हाँ तो जा पुलिस के पास। तू सब में डर क्या? वो दो लोग थे, पता नहीं कौन थे, अचानक शैतान की तरह आए और उसे मार कर चले गए। बाइक का नंबर नोट किया था? नहीं। अच्छा कौन सी बाइक थी, कैसी बाइक थी, कुछ तो बता सकते हो? नहीं। कैसे दिखते थे वो दोनों, कुछ याद है? पहचान सकते हो उनको? कैसे पहचानता साहब, वो लोग हेलमेट पहने हुए थे, चेहरे नजर नहीं आ रहे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं शहर में और उनमें से करीब 17 लाख लोग बाइक चलाते हैं। उन 17 लाख लोगों में से किसी एक की वो बाइक है। पहले सिर्फ 5 हजार लोगों में खूनी को ढूंढना था, अब 17 लाख लोगों में पता लगाना है कि अशोक का खून किसने किया है। उन बाइक वालों का पता लगाया कैसे? मुरली ने उनके चेहरे देखे नहीं है। कौन सी बाइक थी, नंबर क्या था उसका, कुछ भी तो नहीं पता? हमें सिर्फ इतना पता है कि बाइक रिक्शे से टकराई थी, शायद वो रिक्शा में कुछ बता दें।
तुम्हारा रिक्शा कहाँ है? वो तो मैकेनिक के पास पड़ा है। एक्सीडेंट के बाद बहुत खराब हो गया था, तो मैंने सोचा धुलाई सफाई करवा दूं। धुलाई? रिक्शा अगर धुल गया तो जो थोड़े बहुत सबूत हैं वो भी मिट जाएंगे। कौन से गैरेज में डाला है? चलो दिखाओ हमें। आइए आइए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम डर के मारे चुपचाप घर में बैठ गए, रिक्शा को गैराज में डाल दिया। कैसे डरपोक आदमी हो तुम। गलती हो गई साहब। अब तक वो रिक्शा भी धुल गई होगी, सारे सबूत धुल गए होंगे। मैम साहब शायद ना भी धुले। ये रहा साहब, ये मेरा रिक्शा, ये काम आ रहा था बाइक नहीं से। ये यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ लगा। इस रिक्शे को फॉरेंसिक गैरेज में लेके चलते। साहब मोटरसाइकिल इतनी जोर से आके टकराई कि मेरी तो लाइट भी टूट गई। मगर मोटरसाइकिल तो यहाँ पे आके लगी थी ना, यहाँ जहाँ ये डेंट है। जी हाँ। दया जरा यहाँ लाइट दिखाना। ये देखो मोटरसाइकिल वाले का घुटना यहाँ यहाँ ऐसे लगा होगा, ऐसे इस लाइट पे। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट लाइट दिखाना जरा। काफी चोट लगी है उस आदमी को, जरूर किसी हॉस्पिटल में गया होगा पट्टी वट्टी करवाने। लगता है उसके घुटने की स्किन का टुकड़ा है ये, और कुछ धागे भी हैं उसके पैंट के कपड़े के। शायद उसकी पैंट भी फट गई होगी। अभिजीत सर, जितने भी हॉस्पिटल्स रात में खुले रहते हैं उन सब जगह पर जाकर पता करो, वो दोनों लड़के जरूर किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। सर इतने सारे हॉस्पिटल देख चुके हैं, अब तक कुछ भी पता नहीं चला है उन लड़कों के बारे में। दो तीन ही बचे हैं, पता लगेगा कुछ। जरा सुनो जी, हम लोग सीआईडी से हैं। कल रात को यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था ओपीडी में? कल रात शायद सिस्टर करीना ओपीडी में थे। जरा बुलाओ उन्हें जल्दी। सिस्टर बाहर सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? कल रात के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। कल रात के बारे में? ये है वो। कहिए। कल रात को यहाँ पे क्या दो लड़के आए थे? उनमें से शायद एक के घुटने पे चोट लगी हुई थी। कल रात को? दो ढाई बजे के करीब आए होंगे वो लोग। कल उन दोनों के पास हेलमेट भी थे। हेलमेट? हाँ, दो लड़के कल हेलमेट लेके आए थे। एक के घुटने से खून बह रहा था, मैंने उसकी ड्रेसिंग की थी। कुछ नाम वाम लिखा है उनका? नाम वाम तो कुछ नहीं लिखा, एक सादी पट्टी बांधने में क्या नाम लिखेंगे। फिर भी लिखना तो चाहिए ना। वैसे कैसी चोट लगी थी उसे? घुटने के पास काफी खून बह रहा था, मुझे उस लड़के की पैंट काटनी पड़ी पट्टी करते समय। काट दी मतलब? काट के अलग कर दी? हाँ, घुटने के नीचे से काट दी। कपड़े का वो टुकड़ा कहाँ है काटा हुआ? वो तो मैंने कच्चे में फेंक दिया, मैं देखती हूँ शायद वो अभी वहाँ पड़ा हो। रुको मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। उन दोनों लड़कों का स्केच तो बनवा लेते हैं इस सिस्टर से। या। और अगर वो कपड़ा भी मिल गया ना तो उस कपड़े से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मिल गया, यही है वो कपड़ा। ग्रेट, भागते चोर की लंगोटी नहीं तो पैंट ही सही। इस कपड़े से कुछ हो सकता है ना? हाँ क्यों नहीं, पैंट बनाने वाले के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है इस पे। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, शिरीष नाटकर्णी, एक फैक्ट्री में मैनेजर है वो। देखे इस पैंट के फटे हुए टुकड़े को देखकर इस फैक्ट्री का मैनेजर क्या क्या बता सकता है। इसे पहनने वाले का नाम तो शायद ना बता सके,
फिर भी इतना पता चल जाए किसने बनाई है पैंट तो तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ सकती है। सर अगर ये भी पता चल जाए कि कपड़ा नया है या पुराना तो भी काफी है। सर ये कपड़ा इस लड़के ने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है, मुझे लगता है ये पैंट उसने एक या दो बारी पहनी होगी। मतलब ये कपड़ा नया है, शायद एक बार ही धुला है। मगर कपड़े को देखकर आपने ये बात कैसे बता दी? सर जिस तरह से आप लोग लाश को देखकर एक बार में बता देते हैं कि ये खून है या आत्महत्या, वैसे ही हम कपड़े के साथ दिन रात खेलते हैं। कपड़ा देखकर ये पता चल जाता है कि ये कितनी बार धुला है, धुला भी है या नहीं धुला है। कपड़ा हमें सब बता देता है सर। और क्या बता रहा है ये कपड़ा? सर ये कपड़ा ज़रा हटके है, बहुत थोड़ी कंपनियाँ हैं जो इस कपड़े से पैंट बनाती है। कौन कौन सी कंपनियाँ हैं? सर स्टाइलमैन है, बॉन्जाई है, सिल्वर है, लेकिन सर मुझे लगता है ये जो पैंट है ना ये बॉन्जाई कंपनी की ही है। बॉन्जाई? हमें इस कंपनी का एड्रेस मिल सकता है बॉन्जाई का? जी हाँ सर, इस कपड़े से आजकल हमारी कंपनी ही पैंट बना रही है। ये कपड़ा ज़रा महंगा है और हर कोई कंपनी इससे पैंट नहीं बना सकती। इससे जो पैंट बनाई गई है वो हमने करीब 6 महीने पहले मार्केट में उतारी थी। 6 महीने पहले? जी हाँ सर, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले ये कपड़ा मार्केट में आया है, मतलब इन 6 महीनों में उस लड़के ने ये पैंट कहीं से खरीदी है। ये पता कैसे चलेगा कि उस लड़के ने पैंट कहाँ से खरीदा है? दया, वो अशोक ऑटो रिक्शा पे अंधेरी से बांद्रा की तरफ जा रहा था और वो दोनों लड़के सामने से आए और उनकी बाइक ऑटो के बिल्कुल सामने से टकराई है। मतलब वो दोनों लड़के बांद्रा से अंधेरी की तरफ जा रहे थे। करेक्ट। और सर जिस हॉस्पिटल में वो दोनों लड़के गए ड्रेसिंग कराने के लिए वो भी ये देखिए रास्ते में ही है, पार्ला में। मतलब सर वो दोनों लड़के यहीं कहीं सबर्ब्स में रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उसने ये पैंट अंधेरी के आसपास ही किसी दुकान से खरीदी हो। पैसा एक काम कर सकते हैं आप, प्लीज आप हमें बांद्रा अंधेरी से लेके बोरीवली तक आपके जितने भी डीलर्स हैं और जहां जहां भी ये पैंट बिकती है उनके नाम दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ मैं। ये लीजिए। थैंक यू। सर आपके लिए वैसे ही एक और पैकेट आया है। ठीक है तुम जाओ। सर इसमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, अपने बेटे से कैसा खतरा, ये उसका ही है नकुल का। तुम जाओ। ओके सर। हम बहुत जल्दी मिलेंगे डैड। मुझे पता है। जब आपको पहला लेटर और बुलेट मिली होगी आपने मेरी हैंडराइटिंग से मेरे लेटर को मैच करके देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैं वाकई जिंदा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन आदमी है जिसने एसीपी प्रद्युमन के खिलाफ जाके मुझे अपने घर में पनाह दी है। बहुत जल्दी इस बात का जवाब मिल जाएगा आपको जैसे ही तीसरी बुलेट आपके पास पहुंचेगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे डैड। उस आदमी को मैं बाद में ढूंढूंगा नकुल, पहले मैं इस खूनी को पकड़ लूं। से हमारे पास ये एक स्केच है एक आदमी का। सर कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं चोर नहीं है, इसने खून किया है। खून? हाँ जरा ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये आदमी कभी यहाँ आया था? कुछ खरीदा होगा उसने यहाँ से, कुछ कपड़े वपड़े।
शायद ये आदमी आया था यहाँ। वाकई ये आदमी जाना पहचाना लगता है ना? फोटो थोड़ी टेढ़ी मेरी है, पर ये आदमी आया था यहाँ पे। इसने यहाँ से 3-4 पैंट खरीदी थी, करीब 6,000 रुपए की, और 3 काफी महंगी शर्ट खरीदी थी। कब की बात है ये? कब आया था ये? सर यही कोई 10 दिन हो गए होंगे। इसने पेमेंट कैसे करी थी? क्रेडिट कार्ड से या कैश पेमेंट किया था? कोई बिल विल तो होगा ना आपके पास? बिल तो सर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो इतने लोग आते हैं। हाँ ठीक है, ढूंढो जरा। एक बात पूछो सर। पूछो। कहीं ये पैसा चोरी का तो नहीं था ना? नहीं ऐसा लगता नहीं है। क्यों? सच बोलूं सर, उसने पेमेंट कैश में किया था, बिल विल कुछ नहीं बना। कुछ बना नहीं है। अच्छा ठीक है, उसने आसपास के शॉप से भी कुछ खरीदा था? आप लोग तो सब देखते रहते हैं ना? आप लोगों की निगाहों से तो कुछ बचता नहीं है ना? वो शायद वहाँ उस शॉप में गया था, वहाँ से उसने कुछ खरीदा था, वो शॉप भी हमारी है। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से। मैम ये स्केच देखिए, ये आदमी आपकी शॉप में आया था, हमें पता चला है कि ये आदमी 10 दिन पहले यहाँ आया था। यस सर, ये आदमी हमारे यहाँ पे आया था। आया था, क्या खरीदा था इसने यहाँ? सर इसने एक बेल्ट खरीदा था जो बहुत महंगा था, इट वॉज अराउंड 3,000 रुपीज। 3,000 का बेल्ट? यस सर। सर मैंने उसे सस्ते बेल्ट भी दिखाए, लेकिन उसने कहा मेरी शादी होने वाली है तो मुझे महंगी और अच्छी चीजें दिखाइए। उसका बिल है आपके पास? बिल? बेल्ट का बिल है आपके पास? यस सर। चल दिखाइए हमें। यस सर। भगवान करे इसकी शादी ना हुई। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अब अपनी ससुराल नहीं जाएगा, इस आदमी ने खून किया है। खून? ओह माय गॉड। मिल गया सर, ये रहा बिल। सर यहाँ इसने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए? यस यस सर, इसने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए थे। नाम क्या है इसका? मदन। मदन सर, इसका क्रेडिट कार्ड का नंबर है 5091-59120296-6020। बस अब काम हो गया, अब इस नंबर से हम इस आदमी को पकड़ सकते हैं, इसका पता मिल सकता है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। हाँ बोलिए मैनेजर सर। पता चल गया? गुड, वेरी गुड। लीजिए एसीपी साहब से बात कीजिए। सर मदन का पता चल गया, बैंक मैनेजर का फोन है। या एसीपी प्रद्युमन, या मिल गया इस आदमी का पता? हाँ बताओ जरा। यस सर। हाँ, 704-704 स्वाति गार्डन रोड। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये तो यही पास में ही है। चलो जल्दी चलो। सुनिए भाई साहब, हमें मदन से मिलना है। मदन से? हाँ मैं ही मदन हूँ, कहिए क्या बात है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मदन तो
सकते हैं। बहुत भाग लिया है। सर, सर एक छोटी सी बात से सर लड़ाई शुरू हुई थी सर। सर पता नहीं सर क्या हो गया था सर उस वक्त। सर हमने हमने सोचा भी नहीं था सर कि बात इतनी बढ़ जाएगी सर। सर हमें पता भी नहीं चला सर कि कब वो आदमी मर गया हमारे हाथ से सर। फिर लाश को उठा के कहीं और रख दिया हा? हाँ, पहले हमने सोचा कि लाश को कहीं छुपा देते हैं, मगर फिर डर के मारे रास्ते में थोड़ी दूर पे फेंक दिया। सर सर कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है सर। सर अगर उन लोगों को पता लगा कि मैंने किसी का खून किया है तो मेरी शादी टूट जाएगी सर। अच्छा है, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाएगी। पता नहीं आजकल के बच्चों के सिर पे हमेशा गुस्सा क्यों सवार रहता है। इस गुस्से की वजह से वो सिर्फ अपनी ही नहीं अपने माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।